नेगेटिव हाइपोथेसिस कब होगा? कौन सा अगर नेगेटिव हाइपोथेसिस होने पे आपका रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, रिजेक्शन रीजन क्या होगा वो देखना अपने को। सबसे पहले आपका देखो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू साइडेड वाला, टू साइडेड मींस आपका देखो नल हाइपोथेसिस वही है, अभी अपन मीन ही चेक कर रहे हैं। नल हाइपोथेसिस अगर पता नहीं हो तो ध्यान रखना, मीन चेक कर रहे हैं तो म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट, ठीक है मीन होगा। अल्टरनेटिव देखो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट पहला, दूसरा अल्टरनेटिव म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, तीसरा अल्टरनेटिव म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, पहले जब टेस्ट कर रहे थे ये कौन सा आपका टू साइडेड है, टू साइडेड है मतलब रिजेक्शन रीजन कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे, वन साइडेड के लिए एक और वन साइडेड के लिए एक, रिजेक्शन रीजन दो लिखूं इसके। पहला रिजेक्शन रीजन देखो टी अल्फा सॉरी टी नॉट इज ठीक है ना, देखो पहला एक प्लस होगा एक माइनस होगा, टी नोट देखो जब टी नोट आपका देखो वही है कुछ नहीं करना, ये टी अल्फा सॉरी टी नोट जो अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था उससे वैल्यू निकालेंगे, तो कौन सी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू टी अल्फा बाई टू, एक टी टेबल आती है उस टी टेबल सॉरी टी टेबल आती है उस टी टेबल से जो वैल्यू निकलेगी वो टी अल्फा बाई टू एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो देखो जब कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से ज्यादा होगी तो रिजेक्शन रीजन के अंदर ही आएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा देखो क्या करना आपको, जब आपका t नॉट इज ग्रेटर देन t अल्फा n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हो, ठीक है ना, तो ये दूसरा रिजेक्शन रीजन हो जाएगा। तीसरे में देखो t नॉट इज लेस देन माइनस t अल्फा n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, ठीक है, ये इसके तीनों रिजेक्शन रीजन हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लो टी स्टैटिस्टिक में टी टेस्ट में क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा और उनके लिए रिजेक्शन रीजन क्या होगा, ठीक है। टी टेस्ट की मैं अभी लिखा था देखो ये लिखा हुआ x माइनस म्यू जीरो डिवाइड बाई एस बाई रूट एन, ये टी नोट के लिए था, ठीक है, ये फॉर्मूला ये टी टेस्ट का फॉर्मूला है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्शन रीजन, पहला टू साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, रिजेक्शन रीजन दो मिलेंगे, पहला कौन सा t not is greater than t alpha by 2 with n minus 1 degree of freedom, दूसरा t alpha is less than का साइन है, ठीक है कोई alpha मत समझना, t 0 is less than minus t alpha by 2 n minus 1 degree of freedom के साथ। यहां पे देखो t 0 सॉरी दूसरा देखो ये आपका अपर टेल्ड हो गया, ठीक है राइट टेल्ड या अपर टेल्ड वन सेकंड, तो इसके लिए ग्रेटर देन आएगा, लेफ्ट हैंड है तो लेस देन आएगा, ठीक है। तो ये आपका टी टेस्ट का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ रिजेक्शन रीजन क्या होगा वो हो गया। अब देखो अपन न्यूमेरिकल करते हैं टी टेस्ट पे, देखो न्यूमेरिकल मैं आपको बोर्ड पे नहीं लिखा सकता, काफी बड़े हैं टाइम जाएगा, आपको मैं वैल्यूज सीधी वैल्यूज दे दूंगा बोर्ड पे वैल्यूज लिख दूंगा, ठीक है वैल्यूज से अपन ट्यूशन कर, आपको सिर्फ कंसेप्ट पकड़ना है, ठीक है। वैल्यूज ही तो चेंज होगी और न्यूमेरिकल में चेंज क्या होता है, कंसेप्ट तो चेंज होने से रहा, तो आप न्यूमेरिकल कुछ बुक ले लेना रिसोर्सेज से सोल्व कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ करते कैसे है। देखो जैसे मान लिया आपने को दे दिया अपना नल हाइपोथेसिस एच नॉट है वो म्यू इक्वल्स टू 0.82 है, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे दिया अपने को एच वन इक्वल्स टू म्यू इज ग्रेटर देन 0.82, अल्फा की वैल्यू दे दी अपने को 0.05, ठीक है, एस की वैल्यू दे दी
x बार की वैल्यू अपने को दे दी इसने 0.83725, s की वैल्यू इसने दे दी 0.02452 और n की वैल्यू दे दी इसने n की वैल्यू इसने क्या दे दी 15। ठीक है, आपको चेक करना है ये, आपको इतना सब कुछ देखो, आपको तीन चीज ये दी जाए मिलेगी, एक दिया मिलेगा आपको म्यू जीरो जो कि ये वाली है, उससे नल हाइपोथेसिस आपको पता है कि म्यू इक्वल टू म्यू जीरो होता है। अल्टरनेटिव की बात आती है तो आपको उस क्वेश्चन से मैं बता रहा हूं इजीली पता चल जाएगा आपको चेक क्या करना है, अल्टरनेटिव में क्या चेक करना है। तो यहां से आप ये निकट बता सकते हो कि अल्टरनेटिव इसका ये होगा। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, एक तो टेबुलेटर निकालेंगे, तो टेबुलेटर निकालेंगे या कैलकुलेशन से निकालेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। देखो टेबुलेटर निकालेंगे तो वो तो यहां से निकल जाएगी। ठीक है, देखो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखो आपका क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका देखो अपर टेल है, अपर टेल राइट साइड यानी अपर टेल वन साइडेड या फिर राइट साइड वन साइडेड हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जो आपको डेबुलेटर की बात कर रहा हूं, रिजेक्शन रीजन बताया था वो क्या था, टी अल्फा इज ग्रेटर देन टी अल्फा एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। ठीक है, देखो आपको रिजेक्शन रीजन ध्यान है तो आप इजीली निकाल सकते हो, अदरवाइज आपसे नल हाइपोथेसिस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। देखो टी अल्फा की वैल्यू ये तो कैलकुलेटर वैल्यू अपने को इतना ही चाहिए, अपन इसकी वैल्यू इधर से निकाल सकते हैं। तो टी अल्फा देखो, टी अल्फा की वैल्यू देखो 0.05, एन की वैल्यू 15 माइनस 1 14, ये जो 14 है ना इसके 0.05 के साथ नहीं है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अब आप चेक करोगे कि टी 0.05, देखो ये कोई टी टेबल होती है, मान लो टी टेबल आपको या तो दी मिलेगी क्वेश्चन पेपर में या फिर आपको पर्टिकुलर वैल्यू दी मिलेगी। वैसे बता दूं आपको, यहाँ पे मान लो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गई, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू मिल गई, आप दोनों पे जहां पे मान लो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 0.05 जाके जहां पे क्रॉस काटेगा वो वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, या फिर आपको ये पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो टी अल्फा है वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1.761, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये टेबुलेटेड वैल्यू निकाल लिया अपन ने, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है, जो अगर कैलकुलेटेड बढ़ी आए तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है, अदरवाइज एक्सेप्ट कर देना। ठीक है, अब अपन कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं टी जीरो की। टी जीरो क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू जीरो डिवाइड बाई एस बाई रूट एम। एक्स बार की वैल्यू देखो यहां से आपको दी गई है 0.83725 माइनस म्यू जीरो, ये रहा 0.82 डिवाइड बाई देखो एस की वैल्यू ये रही 0.02452 बाई रूट टेन यानी √15, ये वैल्यू रही। ये वैल्यू आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू यहां से आएगी 2.7202। ठीक है, तो टी जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.7202। अब देखो रिजेक्शन रीजन में आपको क्या दिया गया है कि अगर टी जीरो है वो 1.761 से बड़ा है तो रिजेक्ट कर देना, छोटा रहा तो एक्सेप्ट कर लेना। देखो 2.7202 बड़ा है या 1.76 बड़ा है, तो आपको पता है टी जीरो बड़ा है, तो आपका ये रिजेक्शन रीजन के अंदर आ गया, तो ये आप नल हाइपोथेसिस क्या करोगे, रिजेक्ट। तो ये आपका टी स्टेटिस्टिक या टी टेस्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो इतने में तो जेड और टी टेस्ट में अपन ने सिर्फ किसको टेस्ट किया था, मीन को। अब चलते मीन से थोड़ा आगे, मीन से आगे वेरिएंस पे जाएंगे, या वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, टेस्ट ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपकी हेडिंग क्या बन जाएगी, टेस्ट ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। आपको चेक क्या करना है, देखो अपन मैंने जैसे ही पहले बताया था नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए चेक करेंगे, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चेक क्या करना, देखो आपको ये पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस हो गया, सॉरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, या आपका सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चीज आपको चेक करनी है, ठीक है। तो आपका नल हाइपोथेसिस तो ये बन जाएगा, एच नॉट इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, एच वन क्या बन जाएगा, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, या फिर एच नॉट बन जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, या एच वन बन जाएगा म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, ठीक है। तो ये आपके बन जाएंगे तीन। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो गई, बात करते हैं वेरिएंस की। ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड था, वेरिएंस क्या होता है लिख देता हूं यहां पे, ये एस डी से ये वेरिएंस है। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो मान लो आपका ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू वन का स्क्वायर, तो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू म्यू वन का स्क्वायर, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन में ये आपका नल और अल्टरनेटिव बनेंगे, वेरिएंस के लिए आपके ये नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेंगे। इनमें अपन कुछ सर्टेन कंडीशंस आएगी वो देखेंगे। एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, वो चीज ध्यान रखना, इन दोनों में ना जो टेस्ट लगेगा वो आपका काई स्क्वायर लगेगा, ठीक है। काई स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, काइस्केयर टेस्ट लगेगा इसमें, ठीक है ना। देखो वैसे ही करेंगे, पहले आपको काइस्केयर के लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक का पता होना चाहिए, फिर उसका रिजेक्शन रीजन पता होना चाहिए, फिर अगर आपको रिजेक्शन रीजन पता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक पता है, तो आप रिजेक्शन वैल्यू निकालोगे, कैलकुलेटेड वैल्यू निकालोगे, टेबुलेटेड निकालोगे, दोनों का कंपेयर करोगे, आपको पता चल जाएगा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो क्या हो जाएगी, तो देखो इसके लिए अपनी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होगी, मान लो कोई रैंडम वेरिएबल है, काई नॉट स्केयर कोई आपका एक रैंडम वेरिएबल है, उसके लिए जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होगी वो देखो क्या होगी, एन माइनस वन, ठीक है, एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट का स्क्वायर। फॉलो किसको करेगा, देखो काई टेस्ट लग रहे हैं, जो टेस्ट लगेगा वही तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे पहले मैं जेड टेस्ट लगा था, जेड क्या है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंट, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर टी टेस्ट लगा था, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर लगा रहे हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहां पर यह फॉलो करेगा किसको, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को। डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लो, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसमें एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो ये वाला है, ये वाला जो एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसके लिए, टेस्ट स्टैटिस्टिक। और इसको टेस्ट ऑफ वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अपन काई स्क्वायर टेस्ट भी बोलते हैं। यहां तक आने के बाद देखो बात वही बचती है, ये तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू दे देगा, अब जो टेबुलेटेड वैल्यू देगा वो देख लो, वो देखो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और इसका रिजेक्शन रीजन या रिजेक्शन क्राइटेरिया जो भी है,
सबसे पहले अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका क्या हो जाएगा, देखो H1 equals to mu is not equals to variance के लिए करते हैं तो ये आ जाएगा mu square is not equals to mu zero का square। अब देखो पहला क्या होगा, दूसरा क्या हो जाएगा greater than के लिए कराओगे और तीसरा क्या हो जाएगा less than के लिए करोगे। तो ये तीन hypothesis, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था जो टू साइडेड है उसके लिए दो रिजेक्शन रीजन, वन साइडेड अपर टेल्ड है तो ग्रेटर देन वाला और राइट सॉरी लेफ्ट टेल्ड है तो लेस देन वाला मिलेगा। तो देखो रिजेक्शन रीजन में जो ये रैंडम वेरिएबल का नोड स्क्वायर है ना उसके लिए देखो एक चीज ध्यान देना, नोट की हो तो आपने जेड टेस्ट किया था, टी किया था, अभी काई स्क्वायर कर रहे हैं, तीन टेस्ट हो गए, तीसरा मतलब चल रहा हो जाएगा। तीनों में देखो अगर ये टू साइडेड है यानी टू साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है तो वैल्यू अल्फा बाय 2 आ रही है, ठीक है। अगर वन साइडेड है तो वैल्यू अल्फा आ रही है ना, तो ऐसे लिंक करके याद रख सकते हो या फिर जैसे मैंने आपको उस टाइम बताया था टू साइडेड है इधर से कटेगा इधर से वैल्यू ये आएगी तो इसमें अल्फा बाय 2 हो जाएगा, ये भी अल्फा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी में अल्फा और अल्फा आएगी, ठीक है। याद करने का तरीका देख लो, भूलो नहीं, टू साइडेड अल्फा बाय 2, वन साइडेड सिर्फ अल्फा। ये देखो एक लेस ग्रेटर देन हो गया, दूसरा क्या बनाना आपको लेस देन बनाया आपने काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 एन माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस का, ये दूसरा क्या आ जाएगा माइनस का। इसमें देखो अभी h1 में देखो h1 में मेरे पास ये देखो राइट टेल्ड है तो ग्रेटर देन वाला आएगा, ये थोड़ा सा काई की शेप देख लेना ऐसी बनेगी, ठीक है। ठीक है ना, तो ये देखो टू साइडेड के लिए रिजेक्शन रीजन काई नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 एन माइनस 1 डिग्री के साथ और लेस देन माइनस अल्फा बाय 2 एन माइनस 1 डिग्री के साथ। डिग्री याद रखना एन माइनस 1 होगी दोनों में, ठीक है। टी में भी एन माइनस 1 थी, काई में भी एन माइनस 1 है, आगे जाके चेंज हो जाएगी, यहाँ पे भी एन माइनस 1 है और ये ग्रेटर देन के लिए, ये लेस देन के लिए, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं, अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक हो जाएगा ना। आपको याद क्या रखना है इसमें, एक तो ये याद रखना है जो स्टेटिस्टिक है टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो, दूसरा कौन सा हाइपोथेसिस आपको पूछा है उसके लिए रिजेक्शन रीजन क्या होगा, बस चीज आपको सिर्फ दो याद रखनी है प्रत्येक टेस्ट में। पहली कौन सी रखनी है, टेस्ट स्टेटिस्टिक, दूसरा हाइपोथेसिस का नाम, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का टाइप और उसका रिजेक्शन रीजन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं अपन इसमें गाइस के टेस्ट में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैसे ही करेंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, वैसे ही वैल्यू बता दूंगा, करके दिखा दूंगा, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा पाऊंगा, ठीक है। तो देखो पहले नल हाइपोथेसिस बात किसकी कर रहे हैं, जो अपन बात कर रहे हैं वो वेरियंस की कर रहे हैं, तो वेरियंस के लिए काम करेंगे। तो वेरियंस यानी सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन आपका 0.01, ये आपका नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01। अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.01, ये दोनों चीजें आपको दी मिलेगी, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें देखो आपको n की वैल्यू दी गई है, एक सेकेंड ये क्वेश्चन नहीं है, चलो ये जो क्वेश्चन है ना वो पूरा नहीं मिला मेरे को। इसमें देखो अपन क्या करेंगे, अगर मान लो आपको कुछ भी वैल्यू दी होगी, सबसे पहले नोट्स के निकालेंगे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक थी उससे, वो क्या था आपका n माइनस वन, n की भी कुछ वैल्यू दी मिलेगी, मान लो 17 दे दी, कुछ भी मान लेना ठीक है, एस स्क्वायर मिलेगा डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर मिलेगा ठीक है। n की वैल्यू मान लो आपको 17 दे दी या मान लो 20 दे दी, एस स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, एस की वैल्यू मिलेगी और सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा की वैल्यू मिलेगी, या वेरिएंस मिल सकता है, ये सैंपल वेरिएंस है या पॉपुलेशन वेरिएंस है। यहां से आप एक्स नॉट स्क्वायर निकालोगे, मान लो इसकी वैल्यू अपन मान लेते हैं, इसकी वैल्यू कुछ आगे मान लो एक्स आगे जो भी है, चलो अपन ने न्यूमेरिकल वैल्यू मान ली, मान लो 0.006 आ गई, 67 आ गई, ये आ गई इसकी, ये देखो अपन ने कैलकुलेशन से किया तो कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब टेबुलेटेड कैसे निकालोगे, देखो नल हाइपोथेसिस आपका क्या है, ये वाला है, इसके लिए अपन ने रिजेक्शन रीजन जो लिखा था वो क्या था, काई नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन काई अल्फा एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर अल्फा एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ ठीक है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू जो भी अपने को मान लो 5% पे फिक्स है या 10% पे जितनी भी है उस पे अपने को काई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मान लो 0.05 पे एन की वैल्यू अपन ने मान लो 17 लिया तो ये 16 हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर ये वैल्यू मान लो ये जो वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू मान लो आपकी 0.00068 आ गई ठीक है,